जंगल में क्रिकेट। एक बार की बात है, सभी जानवर शाम के टाइम खेल खेल रहे थे, तभी वहाँ पर मोंटू बंदर आया। मोंटू बंदर, आ गए तुम। इस बार तो तुमने शहर से आने में बहुत टाइम ले लिया। हाँ यार, इस बार मेरा वहाँ बहुत मन लगा। मैं एक मैदान के पास वाले पेड़ पर रह रहा था, वहाँ मैंने देखा कि कैसे इंसान क्रिकेट खेलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। ये वर्ड सुनकर सभी जानवर उसके पास इकट्ठा हो गए और फिर मोंटू बंदर ने उन सभी को क्रिकेट के बारे में बताना शुरू किया। उन सभी को क्रिकेट थोड़ा थोड़ा समझ आ गया और फिर उन्होंने फैसला किया, जब इंसान क्रिकेट का मजा लेते हैं तो हम जानवर क्यों नहीं। हाँ हाँ, मैं भी यही चाहता था, इसलिए मैं बैट बॉल ले आया हूँ। बस फिर क्या था, उन्होंने अच्छी सी जगह देखी और स्टंप लगा दिए। उसके बाद सभी ने खेलना शुरू किया। रामू हाथी ने बॉल डाली और छोटू हिरन ने शॉट मारा। येलो। बॉल काफी दूर जा गिरी। गेंडा और सियार बॉल ढूंढने चले गए और हिरन मजे से रन लेने लगा। इन लोगों को पता नहीं था कि इनके आसपास ही एक खतरा मंडरा रहा है। मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी हूँ, सबसे खतरनाक, और मैं आया हूँ यहाँ एक बढ़िया शिकार की तलाश में। उससे कुछ ही दूरी पर कालू भालू एक पेड़ के पास बैठा गीत गुनगुना रहा था। उसने जैसे ही कालू भालू को देखा तो वो खुश हो गया। अभी इस भालू को शिकार करके अपना नाम इतिहास के पन्नों पर अमर कर दूंगा। उसने भालू पर बंदूक तान दी, वो उस पर निशाना लगाने लगा। दूसरी तरफ अब रामू हाथी बैटिंग करने आ चुका था। छोटू हिरन ने उसको बॉल करवाई, उसने शॉट लगाया। वो शिकारी अब कालू भालू पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी उसके सर पर बॉल आकर लगी। उसका सर चकराया और वो बेहोश हो गया। रामू हाथी, तुम थोड़ा हल्का शॉट लगाया करो, देखो बॉल कितनी दूर चली गई। तुम लोगों में शॉट लगाने का दम नहीं है, इसलिए मुझसे जलते हो। हाँ, तुम में शक्ति ज्यादा है, तभी तो हम कह रहे हैं थोड़ा हल्का शॉट लगाया करो। मुझे नहीं खेलना, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने बैट जमीन पर फेंक दिया। ये क्या बात हुई भला, आज से तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं करना। ऐसा कहकर रामू हाथी भी चला गया। दूसरी तरफ अब शिकारी भी होश में आ चुका था। ये जंगल तो खतरनाक लगता है, पता नहीं किसने हमला किया था, मेरे हिसाब से मुझे जाल बिछा देना चाहिए। ये सोच कर उसने एक जगह जाल बिछा दिया और फिर अपने टेंट में जाकर आराम करने लगा। रात होने पर अब सभी जानवरों ने भी खेल खत्म किया। थैंक यू मोंटू बंदर, क्रिकेट खेलने में तो बहुत मजा आया। चलो अब सब चलकर सो जाते हैं, सुबह फिर से खेलेंगे। इस तरह सभी जानवर अपने अपने घरों को चल दिए। रामू हाथी अभी गुस्से में इधर उधर मंडरा रहा था। अंधेरा काफी हो चुका था लेकिन वो फिर भी भटक रहा था। तभी अचानक से जंगल में उसकी चीख गूंजी। अरे, ये तो रामू हाथी की आवाज है। लगता है वो मुसीबत में है, लेकिन रात में उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। गेंडा, सियार और हिरन अब सुबह होने का इंतजार करने लगे। उन्होंने पूरी रात जागते हुए ही गुजारी। जब सुबह हुई तो मोंटू बंदर बैट बॉल लिए उनके पास आया। चलो खेलने चलते हैं। हाँ मोंटू बंदर, जरूर खेलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें रामू हाथी को ढूंढना है, हमने रात में उसकी चीख सुनी थी। इस तरफ शिकारी भी जाग चुका था। उसने उठते ही तालाब में मुंह धोया और फिर उस तरफ रवाना हुआ जहां जाल बिछाया था। जब उसने देखा कि जाल में रामू हाथी फंसा है तो वो खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, एक हाथी, इसको बेचने के तो मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। लगता है ये शिकारी अब मुझे ले ही जाएगा। काश मैं अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करता तो उनके साथ होता और यहाँ जाल में फंसा नहीं होता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। शिकारी उसके पास बैठा और मोबाइल पर बात करने लगा। सर, मैंने एक हाथी पकड़ा है, आप जल्दी से गाड़ी भेज दीजिए, कहीं ये भाग ना जाए। तभी सारे जानवर वहाँ पहुँच गए। सभी रामू हाथी को जाल में फंसा देखकर हैरान थे। अरे रामू हाथी, तुम इस जाल में कैसे फंस गए?
अब शिकारी इतने सारे जानवरों को देखकर हक्का बक्का हो गया और उसने बंदूक उठा ली। सभी जानवर अपने हाथों पर करो। हैं? ये मैं क्या बोल रहा हूँ? रात को मैं गुस्से में पागलों की तरह भटक रहा था, उसी वजह से इस शिकारी के बिछाए जाल में फंस गया। ये जानवर आपस में क्या बातें कर रहे हैं? और ये गन क्यों नहीं चल रही? उसने चेक किया तो गन में गोलियां ही नहीं थीं। अबे यार, इसमें तो गोलियां ही नहीं है, अब इनको कैसे मारूं? कोई बात नहीं, हम तुमको इस जाल से आजाद करा देंगे, तुम फिक्र मत करो। इस पर शिकारी ने अपने बाल नोच लिए। बहुत हो गया, मैं कोई पागल नहीं हूँ, एक शिकारी हूँ। तुमको मुझसे डरना चाहिए, तुम तो ऐसे बातें मिला रहे हो जैसे कि मेरा डर ही नहीं है। अरे ये तो हमें डांट रहा है, चलो इसको दिखा देते हैं कि हम इससे कितना डरते हैं। तभी मोंटू बंदर ने आगे बढ़कर उसकी बंदूक छीन ली और उसको तालाब में फेंक दिया। नहीं, मेरी बंदूक खो दी तुम लोगों ने, अब मैं इसे कैसे ढूंढूंगा? आओ हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। ऐसा कहकर गैंडा भागता हुआ आया और शिकारी को एक टक्कर मार दी और शिकारी अब तालाब में जा गिरा। उसके बाद सभी जानवरों ने रामू हाथी को जाल से आजाद कराया, फिर शिकारी के जाल को तोड़ तोड़ कर अलग कर दिया और खुश होते हुए वहाँ से चले गए। सभी जानवर अब इकट्ठा होकर क्रिकेट खेलने लगे। ये लो चौका, ये लो छक्का। उनके बाद अब फिर से रामू हाथी की बारी आई। रामू, इस बार ज्यादा दूर मत मारना। हाँ हाँ ठीक है, बॉल तो कराओ। उनसे कुछ ही दूरी पर पानी में पूरी तरह से भीगा हुआ शिकारी आ रहा था। उसकी आंखों में बहुत गुस्सा नजर आ रहा था। अब उसके हाथ में बंदूक की जगह एक धनुष था। इन जानवरों ने अच्छा नहीं किया, इनको दिखाना ही पड़ेगा कि मैं दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी हूँ, सबसे खतरनाक शिकारी। ऐसा कहकर उसने एक तीर निकाला और फिर गैंडे पर निशाना साधा। तभी छोटू हिरन ने रामू हाथी को बॉल कराई। ये देखो छक्का। रामू हाथी ने शॉट मारा। शिकारी की कमान से तीर निकलने ही वाला था कि तभी उसके सर पर बॉल आकर लगा और वो बेहोश हो गया। सभी जानवर भाग कर उसके पास पहुँचे। अरे ये फिर से आ गया, कहीं ये मर तो नहीं गया। तभी वो अचानक से खड़ा हो गया और उनको गुस्से से घूरने लगा। तुम लोग मुझसे दूर हट जाओ, मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता हूँ, सबसे खतरनाक कुत्ता। अरे ये क्या बोल रहा है? लगता है सर पर बॉल लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है, ये खुद को अब कुत्ता समझने लगा है। सभी जानवर हंसने लगे। वो शिकारी अपने चारों हाथ पैरों पर कुत्ते की तरह भौंकता हुआ वहाँ से चला गया। बाव, बाव, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक कुत्ता हूँ। बाव, बाव।